Dear students, I am Dr. Geeta Garg, Associate Professor of Chemistry, LBS College, Kotputli. आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका टॉपिक आज अपन ले रहे हैं जो वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. इस थ्योरी के लिए वर्नर नाम के साइंटिस्ट को 1913 में नोबल प्राइज दिया गया था. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके आधार पर कई उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए. उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की डिफरेंट रेशो में रिएक्शन कराकर कई कॉम्प्लेक्सेस प्राप्त किए. अब आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ हमने कंपाउंड्स लिखे हैं अलग अलग और उनके आगे उनके कलर्स लिखे हुए हैं. तो जैसे ये फर्स्ट कंपाउंड है कोबाल्ट क्लोराइड, जिसमें तीन को एक कोबाल्ट एटम के साथ में तीन क्लोरीन के एटम्स अटैच हैं और छह अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं. ये ऑरेंज येलो कलर का है. सेकंड कंपाउंड है कोबाल्ट थ्री क्लोराइड, जिसमें पांच अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल भी एडेड है. ये पिंक कलर का है. तीसरा कंपाउंड है COCl3.5NH3, जो कि वॉयलेट कलर का है. COCl3.4NH3 चौथे नंबर का कंपाउंड, ये ग्रीन और वॉयलेट कलर का है. इसके दो कलर्स क्यों हैं? इसका जवाब हम इस रूप में देते हैं, क्योंकि इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं तो ये दो अलग अलग रंगों में प्राप्त होता है. पांचवा कंपाउंड है कोबाल्ट क्लोराइड, जिसमें तीन अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं. ये ब्लू और ग्रीन कलर का होता है. अब इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर वर्नर ने कॉम्प्लेक्सेस पर एक थ्योरी दी. उसके कई पोस्टुलेट्स हैं, उनको अपन इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. सबसे पहली चीज ये है, फर्स्ट पोस्टुलेट ये है कि जो धातुएं होती हैं उनके उनसे बनने वाले बंध या उनकी संयोजकता दो तरह की होती है. फर्स्ट होती है प्राइमरी वैलेंसी, जो कि आयनाइजेबल होती है, यानी ये आयनित हो सकती है. दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी, जो नॉन आयनाइजेबल होती है, या इसको कोवेलेंट वैलेंसी भी कहते हैं. सेकेंड पॉइंट आता है कि प्राइमरी वैलेंसी हमेशा ऋण आयनों के द्वारा ही संतुष्ट होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी में भी सेटिस्फाइड इधर बाय एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यानी उसको सेकेंडरी वैलेंसी को या तो हम ऋण आयन से संतुष्ट कर सकते हैं या उसको उदासीन मॉलिक्यूल से जोड़कर संतुष्ट किया जा सकता है. तीसरा पॉइंट है, किसी धातु के लिए सेकेंडरी वैलेंसी का मान हमेशा निश्चित होता है, फिक्स होता है. चौथा इसका पोस्टुलेट है, किसी मेटल की प्राइमरी वैलेंसी से सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर की जानकारी मिलती है. पांचवा पॉइंट है, एक एनायन सेंट्रल मेटल एटम की प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर सकता है. अब देखो, ये जो इन्होंने नियम दिए हैं इसके आधार पर कोबाल्ट के ये जो कॉम्प्लेक्सेस हमने लिखे हुए हैं इनकी इस तरह से स्ट्रक्चर्स दी जा सकती है. अब देखो, इन नियमों के आधार पर वर्नर ने कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस के लिए कई स्ट्रक्चर्स सजेस्ट करी, जो अपन इस तरह से देख सकते हैं. पहला कॉम्प्लेक्स हमारा है कोबाल्ट क्लोराइड, जिसमें छह अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं. अब इसकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप जैसा डायग्राम में देख पा रहे हैं, सेंट्रल एटम कोबाल्ट से छह अमोनिया मॉलिक्यूल्स सॉलिड लाइन से जुड़े हुए हैं, जबकि तीन डॉटेड लाइन से तीन क्लोराइड एटम जुड़े हुए हैं. इसी तरह से जब हम इधर आते हैं सेकेंड कॉम्प्लेक्स पर, जिसके अंदर कोबाल्ट के साथ तीन क्लोराइड के एटम्स तो डॉटेड लाइन से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन सॉलिड लाइन से जुड़े हुए अमोनिया के मॉलिक्यूल्स की संख्या अब पांच है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में भी पांच अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर पांच अमोनिया मॉलिक्यूल्स
जुड़े हुए हैं। इसी तरह से जब हम तीसरे कॉम्प्लेक्स पर आते हैं जिसके अंदर चार अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, इसमें पहले दोनों की तरह से डॉटेड लाइन से तीन क्लोराइड परमाणु जुड़े हुए हैं, जबकि चार अमोनिया मॉलिक्यूल हैं जो सॉलिड लाइन से जुड़े हुए हैं। इसी तरह जब हम चौथे कॉम्प्लेक्स को देखते हैं जिसके अंदर केवल तीन अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं जो कि सॉलिड लाइन से जुड़े हुए हैं और डॉटेड लाइन से तीन क्लोरीन के परमाणु जुड़े हुए हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स को देखने से हमें ये पता लगता है कि जो डॉटेड लाइन से समूह जुड़े हुए होते हैं वो प्राइमरी वैलेंसी को इंडिकेट करते हैं और जो सॉलिड लाइन से जुड़े होते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी को शो करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर वर्नर ने सजेस्ट कर दी इन कॉम्प्लेक्सेस के लिए, लेकिन हमको इनका वेरिफिकेशन करना भी तो ज़रूरी है कि क्या ये दी जाने वाली स्ट्रक्चर्स सही हैं। तो इसको सही प्रूफ करने के लिए उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया जो कि इस पोस्टुलेट्स को कंफर्म करता है। ठीक है, तो इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस के लिए उन्होंने रिएक्शंस कराई। सबसे पहले आयनिक रिएक्शन उन्होंने कराई, तो आयनिक रिएक्शन में उन्होंने क्या किया कि कोबाल्ट, देखो जो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए एटम और ग्रुप हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं, इसलिए ये आयनिक रिएक्शन करते हैं। तो जब पहला कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं जिसमें 6 अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, उसकी AgNO3 के साथ एक्सिस में रिएक्शन कराते हैं, तो हम देखते हैं कि 3 मोल सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो जब अपन जैसे रिएक्शन में आप देख रहे हैं कोबाल्ट क्लोराइड के 6 अमोनिया मॉलिक्यूल वाला कॉम्प्लेक्स हमने लिया, उसमें AgNO3 डाला, तो हमको यहाँ पता लग रहा है कि उसके 3 AgCl के मोल्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट हो गए। अब इससे क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर तीनों क्लोरीन एटम आयनाइजेबल हैं, यानी तीनों प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं। अतः कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी हुई? +3 हुई, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 6 हुआ। अब ये जो 6 सेकेंडरी वैलेंसी है जो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो अमोनिया मॉलिक्यूल के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर अपन डायग्राम में जैसे हमने शो कर रखी है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं कि सेंट्रल एटम कोबाल्ट से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। इस सेकेंडरी वैलेंसी जो सेंट्रल एटम से जुड़ी हुई है इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, प्राइमरी वैलेंसी हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है, और इसकी जो वैलेंसी है उसको हमने बाहर ब्रैकेट के ऊपर शो किया हुआ है। अब इसी तरह अपन इसके 5 अमोनिया मॉलिक्यूल वाले कंपाउंड के साथ में AgNO3 की रिएक्शन कराते हैं, तो हम ये पाते हैं कि इसके अंदर 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होने का क्या मतलब है कि जो दो क्लोरीन के एटम्स हैं वो आयोनाइजेबल हैं, यानी कि वो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं। तो इस कंपाउंड का एक क्लोरीन एटम यहाँ पर ड्यूअल नेचर शो कर रहा है, दोहरी प्रकृति दिखा रहा है कि वो एक तो कोबाल्ट की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसके स्ट्रक्चर में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, जबकि एक क्लोरीन का परमाणु भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर कोबाल्ट एटम से जुड़ा हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर देखिए 2 क्लोराइड के परमाणु प्राइमरी वैलेंसी को शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड कॉम्प्लेक्स आता है कोबाल्ट क्लोराइड जिसके अंदर 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। इस कॉम्प्लेक्स की जब हम AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो केवल 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट होना किस बात को इंडिकेट करता है? कि एक एनायन कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है जबकि बाकी दोनों सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ गए और यहाँ देखिए 2
क्लोराइड परमाणु किसमें लगे हुए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा कोबाल्ट एटम से जुड़े हुए हैं। जब हम अगले कॉम्प्लेक्स पर चलते हैं जिसका फॉर्मूला COCl3.3NH3 है, उसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम देखते हैं हमको कोई भी प्रेसिपिटेट प्राप्त नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक भी क्लोरीन परमाणु प्राइमरी वैलेंसी से नहीं जुड़ा हुआ, अर्थात सारे सेकेंडरी वैलेंसी से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जुड़े हुए हैं और नॉन आयनाइजेबल हैं, क्योंकि यदि आयनाइजेबल क्लोरीन होता तो वो AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट जरूर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर एक भी आयनाइजेबल वैलेंसी से क्लोरीन परमाणु नहीं जुड़ा हुआ। तो इसकी स्ट्रक्चर को अपन कैसे शो करेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं और 3 क्लोरीन के परमाणु कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोबाल्ट के साथ बना रहे हैं। तो अब ये जो हमें स्ट्रक्चर्स दी, इनके यदि फ्रीजिंग पॉइंट देखे, इनके चालकता के मान देखे, तो हमें पता चलता है फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आता है, उसमें जो अवनमन आता है या कमी आती है, वो भी वर्नर थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इस थ्योरी की एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन आयन या मॉलिक्यूल की इन्होंने सर्टेन ज्योमेट्री विधि की, किसी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री सर्टेन होती है, निश्चित होती है, फिक्स होती है। इनके अनुसार सेंट्रल मेटल एटम या आयन के चारों ओर सभी लिगेंड एक फिक्स ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं और इसी कारण कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्टीरियो आइसोमेरिज्म पाई जाती है, त्रिविम समावयता इनमें पाई जाती है। फॉर एग्जांपल देखो, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। तो ये जो सिद्धांत है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देने वाला सिद्धांत है और इसी सिद्धांत के आधार पर वर्नर नाम के साइंटिस्ट को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर जाना जाता है, उनको जनक के रूप में जाना जाता है। सो होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू सो मच।